बच्चों, अब आप लोग देख के समझ रहे होंगे इसमें कोई डिजिट जो है जो बार बार रिपीट हुई है। ओके, तो आप देख रहे हो 297 देन 297, 297 जो आपकी है 2 times रिपीट हो गई है। ओके बच्चों, तो हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने कॉमन वर्ड समझा होगा बच्चों। कॉमन मीन्स होता है जो समान है, जो आप लोगों को आपके जैसा नजर आता हो। तो इसमें भी देखिए 297 है, एक 297 है, दो भाई है, 297 दो सेम है, तो एक को हम रखेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉमन। चलिए कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 297 297। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे बच्चों पहले 297, जिसे कहते हैं कॉमन। क्या कहते हैं बच्चों? कॉमन। जब हम कॉमन लेते हैं बच्चों, ठीक है, कॉमन लेते हैं तो बाकी के जो डिजिट होती है, चाहे हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं बच्चों, या फिर आप ब्रैकेट का साइन लगा दीजिए। बिकॉज ब्रैकेट का मीनिंग ही होता है कि उस डिजिट से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 297 टू टाइम्स का मैंने 1 times ले लिया, मीन्स कॉमन हो गया। बाकी का आपका क्या बचा है यहाँ पे बच्चों? 17 लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिखना बच्चों आपको? 17। उसके बाद लिखिए, क्या लिखना है आपको? 17 के बाद क्या है आपको बच्चों? प्लस, यहाँ पे लिख दीजिए प्लस। ओके, देखिए 297 टू टाइम्स का मैंने 1 times किया, मीन्स कॉमन आ गया। फिर हम उसको किससे बाकी ले लीजिए आपकी 3, तो हमें यहाँ पे राइट कर दिया बच्चों 3। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है आपको बच्चों? उसके बाद देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे 297 इंटू, अब यहाँ पे देखो लिखा है 17 plus 3। यू नो दैट 17 plus 3 क्या होता है बच्चों? सोचिए, हाँ सर 20 होता है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे बच्चों 20। इसे क्लियर, समझ में आया लोगों को? देखिए 17 plus 3 क्या हो गया आपको? 20। अब तो आपका देखिए इसे इसी फॉर्म आ गया आपका। कोई भी बच्चा कर सकता है सर 297 मल्टीप्लाई 20, कोई हार्ड हो गई बच्चों। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। आपको करना क्या है, अगर कोई भी डिजिट हो जिससे हमें 0 से मल्टीप्लाई है, उसमें 0 वाली डिजिट है, तो सबसे पहले हम राइट करेंगे आपको बच्चों 0। आया ना समझ में? क्या लिखे बच्चों? 0, बस हो गया, कुछ नहीं है। देखो अब हम करेंगे यहाँ पे डिजिट क्या बच्चा है, 2। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करने के लिए 7 से, 2 को किससे करेंगे बच्चों? 7 से। तो 27 से आपका होगा बच्चों 14। क्या होता है? 14। तो 14 की 4 10 1 आपकी यहाँ हुए बच्चों कैरी। देन आफ्टर 2 मल्टीप्लाई 9, यू नो दैट 2 9 सा 18, 18 प्लस 1 वी गेट 19, दैट मींस 9 1 कैरी। देन लास्ट 2 मल्टीप्लाई 2, दैट मींस 4 प्लस 1 वी गेट 5। सो दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, अब देखिए इसका आंसर क्या है आपका बच्चों? 5940। इसे करने की ट्रिक थी, अब आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे हम मल्टीप्लाई करके 297 मल्टीप्लाई 7। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। बट इससे हमें क्या करना है, आपको मेथड वाइज क्योंकि बस अरेंजमेंट के बेस पे लिखना है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था बच्चों कि कोई भी डिजिट हो, जैसे यहाँ पर मैंने देखिए 17 plus 3 क्यों किया, बिकॉज 17 plus 3 क्या होता है आपका 20, और जो आपकी यूनिट प्लेस है वो क्या करती है 0 की। इसलिए आपको इस मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन 20 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमें यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 54279 मल्टीप्लाई 92 प्लस ए मल्टीप्लाई 54279। देखिए बच्चों यहाँ पर भी आपको जुड़वा भाई नजर आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं, देखिए दोनों जुड़वा भाई के सेम सेम है, जुड़वा भाई है, तो दोनों जुड़वा भाइयों को हमें क्या करना है, एक भाइयों को सेलेक्ट करना है और एक भाइयों को रख देना है। भाई आप एक जैसे हो, अगर भीड़ में चले जाओगे तो क्या होगा, आपको पहचान नहीं पाएंगे। एक को छुपा दो बच्चों, एक को रखेंगे। चलिए कैसे छुपाते हैं देखिए, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 54279 बिकॉज 2 times है, बच्चों ने 1 time लिया, लिखिए ना मल्टीप्लाई, फिर क्या है आप लोगों का देखिए बच्चों 92। मैंने कहा था कि डिजिट के बाद जो साइन हो वही आपको लगाना है यहाँ पे प्लस 8। तो कुछ है ही नहीं, हलवा इनको हो गया 54279 इंटू, अब 92 plus 8, फिर से वही बात आ गई बच्चों, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट, बार बार वही हो रहा है, 92 में 8 plus किया तो
आपका क्या हो गया 100। तो अब देखिए आप लोगों को इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करने फिर मत बैठ जाना। हाँ हम पढ़ा 5 मिनट इसी में लगा दी, तो हमको क्या करना है बच्चों, मैंने कहा ना जीरो वाले प्लेस हो, आप लोग क्या करोगे यहाँ पे कितने जीरो बच्चों 2, तो पुट कर दीजिए 2 0, क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ना 1 रहा, 100 नहीं रहा, 1 हो गया बस, 1 को 9 से कर दीजिए 9 आ गया, 1 को 7 से कर दीजिए 7 आ गया, 1 को 2 से कर दीजिए 2 आ गया, देन 1 मल्टीप्लाई 4 एंड लास्ट 1 5 सा 5। तो आप देख रहे हैं आप लोगों का आंसर बच्चों यहाँ पे निकल आया है। अब चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सी स्टार्ट करते हैं। चलिए वही जुड़वा वाले भाइयों की कहानी चल रही है, पूरे चैप्टर के अंदर बार बार नहीं देख रहे। चलिए यहाँ पर देखो बच्चों आपको लिखा हुआ है 81,265, क्या लिखा है बच्चों 81,265 मल्टीप्लाई 169। अब यहाँ देखिए माइनस आ गया है, प्रीवियस सम्स में हम लोगों ने प्लस का साइन देखा था, यहाँ पे बच्चों किसका आ गया है माइनस का आ गया ना, बड़ी बात थोड़ी है। फिर लिखा है 81,265 मल्टीप्लाई 169। तो देखिए बच्चों फिर से दो डिजिट आपके सेम आ गए, मतलब वही जुड़वा वाले भाइयों की कहानी। तो हम क्या करेंगे बच्चों उन्हें मंडल लिखेंगे 81265, क्लियर। देन साइन किसका है बच्चों मल्टीप्लाई, तो बाहर मल्टीप्लाई लगा दीजिए, फिर इसे किसमें लिख दीजिए ब्रैकेट में, क्या लिखिए आपके लिखिए 169, क्लियर। उसके बाद साइन क्या आपकी माइनस, लगा दीजिए माइनस, और लास्ट में कौन सी डिजिट रहेगी आपकी 69। तो देखिए बच्चों 69 लिख दी ना आप लोगों ने। अब देखिए 81265 मल्टीप्लाई 169 में से 69 क्या है कर लीजिए, नहीं आएगा तो 69 देख लीजिए, 9 में से 9 क्या 0, 6 में 6 क्या 0, देन 1 क्या आ गया बच्चों 100। फिर से इजी हो गया ना मल्टीप्लाई, देखिए तो हम क्या करेंगे अब 100 है ना, तो पहले 20 यहां राइट कर दीजिए, कर दिया आप लोगों ने। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, आपको पता है 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही आएगा, 1 को 6 से कीजिए 6, 1 को 2 से 2, 1 को 1 से 1 एंड 1 को 8 से। इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सी क्या हुआ स्टूडेंट पूरा हो गया। बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर डी है, ये आप लोगों का थोड़ा सा स्टूडेंट ले लीजिए, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। तो करना क्या है, क्योंकि इसमें हमने भाई नजर दिया है, जो सैमसन भाई होते ना जुड़वा भाई, वो देखिए कहीं नजर नहीं आ रहा है, दो टूटकर हुआ क्या है भाई थे, लेकिन वो भाई क्या हो गए थोड़े अलग अलग हो गए। अब हमें क्या करना है, उनको फिर से साथ में लाना है। चले बच्चों कैसे लाएंगे, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 3845 मल्टीप्लाई 5, ओके, फिर लिखा है मल्टीप्लाई 782 प्लस, यहाँ पे राइट कर दीजिए 769। अब यहाँ पे देखिए 25 जो है, 25 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ बच्चों ऐसे, ठीक है, तो 25 जो है वो 5 के टेबल्स में आता है, ठीक है, जिस 5 के टेबल्स में आएगा 2 टाइम्स, तो जहां पर लिखा है 25 वहां पर मैं राइट कर रहा हूँ बच्चों 5 मल्टीप्लाई 5, देन लास्ट में आपका है 208, क्लियर हुआ बच्चों यहाँ पर। चलिए अब आगे क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे देखिए अभी भी सेम नहीं मिले, सेम तो करना ही पड़ेगा ना आप लोगों को, तो कैसे सेम करेंगे देखिए बच्चों। चलो मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिजिट को अगर मैं ये डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए यहाँ पे आप लोगों की कौन सी डिजिट है 5, यहाँ पर भी 5 है, बट हमें ये डिजिट चाहिए बच्चों, तो देखिए मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, बाई चांस आ जाए बच्चे, देखिए 769 मल्टीप्लाई 5, देखिए 5 को मल्टीप्लाई करके 9 से, तो 5 9 सर 45, 45 की 5 एंड 4 के 5 6 सर 30, 30 प्लस 4 34 मींस 4 3 आपकी के 5 7 सर 35, 35 प्लस 3 क्या आ गए बच्चों देखिए 3845 मींस ये वाली डिजिट आ गई ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी डिजिट आ जा रही है। तो चलिए क्या करेंगे लिखेंगे 3845 मल्टीप्लाई 5782 प्लस, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों आ गया आपका 3845। अब आपका बचा क्या है 5 मल्टीप्लाई 218,
चल ये कॉमन हो गई, ये कॉमन, ये कॉमन, चल ये इतनी सारी चीजें आपकी कॉमन आई है। ये जो रह गया इसका हम कर देंगे रीअरेंजमेंट। क्या कर देंगे बच्चों? रीअरेंजमेंट। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हम चाहे तो इन दोनों को बना दें, जब कॉमन आएंगे तो वन टाइम लिख देंगे हम 3845 × 5, ठीक है, टू टाइम्स का तो वन टाइम्स लिख दिया, मल्टीप्लाई। उसके बाद आपकी कौन सी डिजिट बची बच्चों? 7 × 2, तो ब्रैकेट में लिखते 7 × 2, ठीक है, ये सब को भी इरेज कर दे रहा हूं। फिर आपको लिखिए 7 × 2 के बाद आपकी कौन सी साइन है बच्चों? प्लस की, तो लिख दीजिए प्लस। उसके बाद लास्ट डिजिट आपकी कितनी है? 218। तो आप देखोगे इन दोनों का भी आप रीअरेंजमेंट करोगे तो क्या होगा। चलिए रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं देखिए फिर से, 7 × 2 देन 218। तो देखिए बच्चों 2 + 8 = 10, दैट मीन 0 × 1 = 18, 1 × 8 = 9, 9 × 10 यू नो दैट 10 × 0 = 1 = 1 × 7 = 8, 8 × 2 दैट मीन्स 10। तो यहां पर भी आपको रीअरेंजमेंट के फॉर्म में क्या आ गया? 1000 आ गया। तो देखिए 3845 × 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका 1000। मीन्स ये सारी डिजिट को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट स्टेप देख गया है, सम सॉल्व हो जाएगा। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलिए 3845 × 5, ठीक है, तो 5 × 5 = 25 × 5 to carry 5 × 20 = 20 और 2, तो 22 हो गया, 2 दैट मीन्स टू कैरी, 5 × 8 = 40 + 2 = 42 5 × 3 = 15 + 4, तो आपका कितना आ गया बच्चों? देखिए 19225 और उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? 1000 से। तो लास्ट स्टेप आप लोगों का रह गया, बस आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने 0 3, तो 3 0 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए बच्चों, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा आपका 5 का 5, 2 का 2, 2 का 2, 9 का 9 एंड 1 का 1। सो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग क्या हो गई है? पूरी हो गई है। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।